नमस्कार, मैं हूँ श्रुतिका। अब वक्त है आज के शब्द बाण का। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सियासी हंगामे से दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में मेडिटेशन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी करीब 45 घंटे तक यहां ध्यान साधना करेंगे। वहीं कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग से शिकायत तक कराए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल जैसे तमाम नेताओं ने मोदी के मौन को चुनावी गिमिक करार दिया। सिर्फ विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से या समंदर में डुबकी मारने से या गंगा में डुबकी मारने से ये ज्ञान नहीं आता। इसको पढ़ना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। हमें कोई इतराज़ नहीं है, 1 तारीख के बाद कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, पर कल मेडिटेशन और परसों मेडिटेशन के लिए जो जा रहे हैं ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। ये हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मोदी के मेडिटेशन पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि इतनी गर्मी में चुनाव करवाकर मोदी तो ध्यान करने कन्याकुमारी निकल गए, लेकिन गर्मी से परेशान जनता इस बार उन्हें सबक सिखाने वाली है। जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं। जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी इस बार। पटना में तेजस्वी यादव ने मोदी के ध्यान को नौटंकी बता दिया। तेजस्वी ने कहा कि ये सब मार्केटिंग के तरीके हैं। पिछली बार मोदी केदारनाथ गए, इस बार कन्याकुमारी। अगर उन्हें ध्यान ही करना है तो कैमरे लेकर क्यों जा रहे हैं? मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को बतलाइए। ममता बनर्जी को भी इस बात पर आपत्ति है कि मोदी कन्याकुमारी गए तो कैमरे उनके साथ क्यों पहुंच गए। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी की एक मर्यादा होती है। उन्होंने कहा, इतना झूठ बोलने वाला ड्रामेबाज प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा, वरना कैमरे लेकर मेडिटेशन करने कौन जाता है। इतना झूठा प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। कुर्सी की एक मर्यादा होती है, 48 घंटा पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं। इलेक्शन में 48 घंटा पहले पब्लिसिटी बंद होनी चाहिए। आप ध्यान करने जा रहे हैं तो जाओ, लेकिन कैमरा लेकर क्यों जा रहे हो? कैमरा लेकर मेडिटेशन करने कौन जाता है? कांग्रेस ने शिवसेना का दामन थाम चुके संजय निरुपम ने कहा, मेडिटेशन आंतरिक शांति शुद्धिकरण का आध्यात्मिक तरीका है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। और ये बात वो लोग नहीं समझ सकते जो गांजा पीकर थकान उतारते हैं। कांग्रेस का ऐतराज सरासर गलत है, कांग्रेस का विरोध मूर्खतापूर्ण विरोध है। प्रधानमंत्री जी पिछले 1.5 महीने से एक जबरदस्त इलेक्शन कैंपेन में लगे हैं, और उसके बाद उन्होंने अगर यह तय किया कि जहां विवेकानंद जी ने ध्यान किया था वहीं जाकर के वो आने वाले 24 घंटे या 36 घंटे के लिए एक मेडिटेशन करें, तो इसमें गुनाह क्या है? इसमें गैरकानूनी क्या है? इसमें आचार संहिता का उल्लंघन कैसे हो सकता है? लेकिन जो गांजा लेने वाले, वीड पीने वाले हैं, जो शांति के लिए, उनको इस मेडिटेशन का आध्यात्मिक महत्व समझ में नहीं आएगा। तो कांग्रेस का जो विरोध है वो धर्म विरोधी है, अध्यात्म विरोधी है। विवेकानंद का विरोध कर रहे हैं ये, और हिंदू धर्म की आस्थाओं और परंपराओं का तो विरोध कर ही रहे हैं।
रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने के कारण कांग्रेस से निकाले गए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आसुरी शक्तियों से लड़ने की ऊर्जा हासिल करने के लिए कन्याकुमारी में ध्यान कर रहे हैं। इस बात का महत्व कुछ लोग नहीं समझ सकते। ये जो 2024 का चुनाव है, ये एक धर्म युद्ध की तरह है। इसमें एक तरफ वो लोग हैं जो धर्म के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो धर्म को मिटाना चाहते हैं। आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए, आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है। पहले भी प्राचीन काल में जब सुर असुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, जब आसुरी शक्तियां बहुत बढ़ जाती थी तो उनके विनाश के लिए ऋषि मुनि महात्मा साधना करते थे, जप तप और साधन करते थे। तो मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा को अर्जित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी इस समय स्वामी विवेकानंद की शरण में गए। ये आध्यात्मिक चेतना का विषय है, ये आस्था का विषय है। अब ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी जिनकी आस्था वेटिकन में है, जिनकी आस्था विदेशों में है, इसीलिए ये मोदी का विरोध कर रहे हैं।